करना है ताकि खुद एक बागवान भाई खुद पेड़ के सामने जाके देख ले कि क्या जो यूनिवर्सिटी कह रही है, जो डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस बोल रहा है कि ये मेवा जो नया है, क्या हमारा मौजून इसके लिए जो हमारा आबो हवा है साइज बढ़ रहा हूँ खुद काम कर पत्मे दाया वर्य पे वो टेक्नोलॉजी ये हेको वन कि तुम हसा हिवीक जो मेव अराउंड 65 ग्रामों से रोजान मगर वुकुर भरपूर सलो नमक किलो वाइन रटित मे मेरा नाम डॉक्टर नौशीन नज़ीर, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रूट साइंस। ये जो आज का हमने दिन मनाया, इसको हमने कीवी डे का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस टाइम जब हमारे पास कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है हार्वेस्टिंग के लिए, वहीं पे हमारे पास एक फ्रूट है जो ऑफ द सी जो इस सीज़न में आपका आपके पास होता है, उसका नाम है कीवी फ्रूट। इस कीवी फ्रूट को मनाने के बहुत सारे वजूहात हैं। पहला कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्चर्डिस्ट है या जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास जहाँ पर उनके पास एप्पल, पीच, प्लम ये सारे मेवे अकसाम हैं, वहाँ पे एक और उनके पास नया मेवा आ जाए जिसका नाम है कीवी फ्रूट। लेकिन इस कीवी फ्रूट को बनाने के तरीके, इसको लगाने का तरीका और इसके मुवाफिक या इसके फ़ायदे क्या क्या है, उन चीज़ों से रोशनास करने के लिए हमने ये कीवी डे का इनाकात किया था। जैसे इस कीवी फ्रूट का अगर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन हिसाब के हवाले से, तो ये माना जाता है पूरी दुनिया में इसका जो नंबर आता है वो सातवें नंबर पे आता है। जब हम बात करेंगे सुपर फ्रूट्स के बारे में तो वहाँ पे इसका सातवां नंबर है। तो ये इस वजह से है क्योंकि जब आप देखेंगे कि इसमें एक ऐसा विटामिन्स और मिनरल्स का प्रोपोर्शन इतना बेहतरीन है कि ये बाकी सारे फ्रूट्स को पीछे कर देता है। अगर आप देखोगे कि विटामिन सी की अगर हम बात करें तो वो आपके 100 ग्राम के फ्रूट से आपको लगभग मिलता है 60 से 65 मिलीग्राम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अभी कोविड-19 के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को सबको पता है कि हमारे को थ्रू रिकमेंडेशन जो है वो है विटामिन सी को इंटेक, उनका डेली इंटेक लेने का। तो वहीं पर अगर हम आपको बताएँ कि आपको मेडिसिन नहीं लेना है तो आपको सीधे एक फ्रूट ही खाना है जो आपका विटामिन सी का जो आपका प्रोपोर्शन या परसेंटेज है वो आपका थ्रू एक सिंगल फ्रूट के लेने से आपका वो मुकम्मल हो जाएगा। ये तो रही बात आपके विटामिन सी जो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। बाकी चीज़ें जो इसमें हैं, अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ है, आप लोगों को सबको पता है कि अभी जो है अभी हार्ट डिजीज़ का प्रोपोर्शन थ्रूआउट वर्ल्ड बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आप हर तीसरे बंदे को देखोगे कि जो एस्प्रिन खाता है, वहीं पर आपके पास एक ऐसा फ्रूट आता है जो एस्प्रिन को रिप्लेस कर रहा है। ये जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप दो एस्प्रिन एक दिन में खाएंगे तो आपको आपको एस्प्रिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रहा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हिसाब से। दूसरा है कि ये आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो डिजनरेशन आ जाती है सेल्स की वो बहुत हद तक कम रहती है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपके फार्मर्स के लिए क्या मैसेज है? फार्मर्स के लिए ये मैसेज है कि उनको हमने ये बताया कि आप लोगों का अगर बाग बनाने हैं तो उसके लिए आप लोगों का पहले इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ये वाइन है तो ये जो ये बाग है ये आपके सपोर्ट सिस्टम के बगैर नहीं चलेगा। इसमें ज़रूरी आपका सपोर्ट सिस्टम, जैसे आप अभी हमारे बाग को भी देख रहे हैं, तो इसमें हमारे तीन तरह के स्ट्रक्चर है, टी बार है, आपका हेड सिस्टम है, आपका परगोला है। तो इन तीनों सिस्टम को देखने के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि टी बार बेहतरीन रहता है फार्मर के लिए। उस टी बार को इरेक्ट करने के लिए उसको कैसे बनाना है, प्लांट को कैसे लगाना है, और उसके बाद प्लांट को लगाने के टाइम आपको कितना मेल टू फीमेल रेशियो रखना है कि जो कि 1:9 है या 1:8 है, इन सारे बातों के बारे में इस हवाले से हमने फार्मर को आगाह किया कि अगर वो चाहता है बनाना तो उसको क्या क्या किन किन चीज़ों का किन किन साइंटिफिक इंटरवेंशन का ख्याल रख के उनको अपना बाग बनाना है।
आपको मालूम है कि आज हम यहाँ शालीमार हमारी जो फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर हेडक्वार्टर जो यूनिवर्सिटी है ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार का, इसमें आज हम ये किवी फ्रूट डे मना रहे हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि एक नया फ्रूट, एक नया मेवा हमारे बागवान भाइयों तक पहुँचे ताकि वो इसमें मुतारिफ हो जाए इस फ्रूट के हवाले से और अल्टीमेटली वो इसकी पैदावार को अपने बागों में आम करें। ये हमारा मुद्दा है और मकसद है। सर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ की? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत कम तादाद जो बागवान भाइयों की है वो बुलाई थी। हमने हर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 10-10 आदमियों को बुलाया था। आपको मालूम है कि जो ये वबाई सूरत हाल है आजकल कोविड-19 के हवाले से, इस ज़मन में हम तो अब ऑनलाइन जो या ऑफलाइन मोड में हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मदद नहीं कर सकते, क्योंकि SOPs हमने तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी अडॉप्ट करने हैं। इसलिए इस सिलसिले में हमने बहुत कम लोगों को यहाँ पर मदद किया था। लेकिन जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं उनको भी ये मैसेज दी गई है कि वो इस मेवे को आम करें, इस ये मैसेज अपने बागवान भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि मुद्दा हमारा ये है कि ये जो किवी फ्रूट है ये आम हो जाए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो बाग, हमारे जो गार्डनर्स हैं, हमारे जो बाग मालिकान हैं, वो इस फ्रूट को हाथों हाथ ले लें। मुद्दा असली पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि हम हॉर्टिकल्चर को डाइवर्सीफाई करना चाहते हैं। डाइवर्सीफाई करने का मतलब है जहाँ हमारा ये एक ऑर्चिडिस्ट है, जहाँ वो एप्पल को अपने बाग में लगाए, वहाँ वो नाशपाती भी लगाए, वहाँ वो स्टोन फ्रूट्स भी लगाए, वहाँ वो प्रून भी लगाए, वहाँ वो नेक्टरिन भी लगाए, वहाँ वो बादाम भी लगाए और वहाँ वो किवी फ्रूट भी लगाए। क्यों? इसलिए क्योंकि आज जैसे इस साल आपने देखा कि जो एप्पल है, एप्पल में काफ़ी नुकसान हुआ। जब फ्लावरिंग होती हुई थी एप्पल में तो उस वक्त मौसम बहुत नासाजगार रहा, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई और फ्रूट उसके बाग में होता तो शायद उसको ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि हम हॉर्टिकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हम कोई और किस्म के फ्रूट उसके बाग में रखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, आम करना चाहते हैं, ताकि अगर उसको किसी एक फ्रूट में नुकसान हो जाए किसी खास सीज़न में तो दूसरे फ्रूट से उसको फ़ायदा हासिल हो। यही मुद्दा है। और आपको खासकर यह भी बताता चलूँ कि जो ये किवी फ्रूट है यह एक काफ़ी मुनाफे बख्श फ्रूट है। ये अगर हम देखें जैसे आपको हमारे यहाँ पर मुतल्लिका जो हमारे साइंसदान थे यहाँ पर, उन्होंने फरमाया कि किस तरह से एक फ्रूट की कीमत जैसे 20 से 30 रुपये की होती है और सैकड़ों फ्रूट एक प्लांट में से निकल के आप देख सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आमदन बख्श है, कितना आमदनी में इजाफा होगा। और जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब का जो एक पैगाम है कि हमारे किसानों की आमदन को हमने 2022 तक दुगना करना है, हम एक ऐसा टारगेट लेके चले हैं कि इनकी आमदन को दुगना ही नहीं करना है, इनकी आमदन को जहाँ तक हो सके उसका इसमें इजाफा करना है। दुगना न सही, 3 गुना 4 गुना बढ़ाते चले, ताकि एक टारगेट हम फिक्स करें और उस टारगेट को अगर हम न छू सकें, कम अज़ कम हमारे वज़ीर आज़म का जो टारगेट है कि दुगना करने में हम कामयाब हो जाएं इसकी आमदनी। ये हमारा मुद्दा और मकसद है।